जय जिनेन्द्र सभी को। आइएगा आज भक्तामर जी की क्लास में हम सातवें श्लोक के अर्थ के बारे में जानेंगे। आचार्य मांगतोंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र में हमने पिछले वीडियो में 6 श्लोकों का अर्थ जाना। आज का सातवां श्लोक है, इसका अर्थ शब्दार्थ भावार्थ जानेंगे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम श्लोक के उच्चारण करेंगे। आइएगा सभी चांग लें। तसंस्तवीन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाचय मुपेति शरीर बाजाम आक्रांत लोकमलिनीलम शेष मासु सूर्यांशो भिन्नमिव शारर मंदकारम। आइए शब्दार्थ देखें क्या कह रहे हैं। हे भगवान, तत्संस्तवेन आपके स्तवन से, स्तवन यानी स्तुति से, शरीर भाजाम शरीरधारी प्राणियों के, भव संतति यानी अनेक भवों की परंपरा से, सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम यानी पाप कर्म क्षणा क्षण भर में, क्षयम क्षय को उपेति यानी प्राप्त हो जाते हैं। इव जैसे आक्रांत लोकम लोक में व्याप्त, अलिनीलम भोरे के समान काला, सार्वरम रात्रि का, अंधकारम अंधकार, आशु यानी शीघ्र, सूर्यांश भिन्नम सूर्य के किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। भावार्थ देखें, जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भोरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदि देव, आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के जन्म जन्मांतर के उपार्जित एवं बद्ध पाप कर्म तत्काल ही समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात सृजनराज के चरण कमलों का स्मरण अनंतानंद संसार की परंपरा को नाश करने वाला है। हे भगवान, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, ले लो। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आचार्य मांगतोंग स्वामी, क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक के माध्यम से इतना कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से बादलों में अंधकार छाया है लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य की किरण निकलती है, तो बादलों में छाया हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से बंधे हुए पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए आपके चरणों की स्तुति करना जरूरी है, तो आपके चरणों की स्तुति करने मात्र से ही पूर्व में बांधे हुए कर्म उपार्जित कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कब नष्ट होंगे, जब आपके चरणों की शरण में ये जीव जाएगा। तो हे प्रभु, आचार्य मांगतोंग स्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की शरण में ले लीजिए, अब मैं संसार में किसी अन्य की शरण में नहीं जाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बादलों में छाया हुआ अंधकार सूर्य की किरण निकलने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से पापी जीवों के, पुण्य आत्मा जीवों के बांधे हुए कर्म, मतलब के पूर्व में बांधे हुए कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं, कब, आपके चरणों की स्तुति करने मात्र से। तो हे भगवान, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, ये इस श्लोक का अर्थ है। अगला श्लोक का अर्थ जाने हम देखें क्या कह रहे हैं। अर्थ श्लोक देखें। मतवीति नाते तब संसवनम मयेद मारभ्यते तनु दियापि तव प्रभाव चेतो हरीशति सताम नलिनी दलेशो मुक्ता फल दुति मुपेति ननु दबिंदु। क्या कह रहे हैं शब्दार्थ के। नाथ, हे सामिन, इति मत्वा ऐसा मानकर मया तनुद्यापी मुझ मंद बुद्धि के द्वारा तब यानी आपका इदम यानी ये संस्तवन स्तवन आरंभते प्रारंभ किया जाता है, जो कि तब प्रभावात आपके प्रभाव से सताम सज्जनों के चेत यानी चित्त को हरिषत यानी हरेगा, ननु यानी निश्चय से, उद्बिंदु जल ओस की बूंद, नलिनी दलेशु कमलिनी के पत्तों पर, मुक्ता फल दुतिम मोती जैसी कांति को पेत यानी प्राप्त होती है। भावार देखें। हे नाथ, जिस तरह
कमलिनी के पत्र पर पड़ी हुई ओस की बूंदे मोती के समान सुंदर दिखकर लोगों के चित्त को हरती है। उसी तरह मुझ अल्पज्ञ के द्वारा की हुई स्तुति भी आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगी। ओस की बूंद का भला कोई मूल्य होता है, परंतु वही बूंद जब कमलिनी के पत्र पर पड़ जाती है तब स्वभावत ही वह मोती का रूप धारण करके दर्शकों के मन को मोहित करती है। आखिर उस ओस की बूंद को मोती की आभा देने में किसका हाथ है? कमलिनी के पत्ते का ही क्या ये सबक प्रभाव नहीं? अर्थात अवश्य है। उसी भांति स्तुति में गर्भी सारा चमत्कार आपके ही परम प्रसाद का परिणाम, इसे मेरा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं हम, देखें कि जिस प्रकार से हे भगवान कमलिनी कमल के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंद मोती के मोती तरह सुंदर दिखती है, दिखकर लोगों के चित्त को हरती है, उसी प्रकार से मेरी स्तुति में अल्पज्ञ के द्वारा, मतलब आचार्य मंगतंग स्वामी ने खुद को अल्पज्ञ बता दिया। वो कह रहे हैं कि आपकी स्तुति के द्वारा, आपकी पूजा के द्वारा, आपकी स्तुति के द्वारा मेरे द्वारा जो स्तुति की गई है वो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगी। इसमें मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई मूल्य भी नहीं है। जिस प्रकार से कमलिनी के पत्ते पर मोती की बूंद दिखती है, तो मोती की बूंद दिखनी, जल की बूंद दिखती है मोती के समान दिखती है, ओस की बूंद मोती के समान दिखती है, तो वो उसका मोती का बूंद दिखने का में कारण क्या है? कमलिनी के पत्ते। उसी प्रकार से हे भगवान आपकी स्तुति करने में मेरा कुछ भी महत्व नहीं है, मेरा कुछ भी मूल्य नहीं है, मेरा कुछ भी मूल्य नहीं है। मेरी भक्ति जब भी चमत्कार दिखाएगी, जब उसमें आपका ही प्रभाव है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं मात्र आपकी स्तुति कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? मेरी स्तुति करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरी स्तुति जब प्रभाव डालेगी, जब आपका आशीर्वाद ये मिलेगा आपके चमत्कार से ही, आपका उसमें जिस स्थिति में जो चमत्कार होता है वो आपके ही प्रभाव के कारण है, इसे मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आचार्य मंगतंग स्वामी इस श्लोक अर्थ बता रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखें। हस्तम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम तसंकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जल जानि विकास भांजी। और देखें, अस्त समस्त दोषम संपूर्ण दोषों से रहित तब स्तवनम आपका स्तवन असम दूर रहे तत्संकथापि आपकी पवित्र कथा भी जगताम जगत के जीवों के दुरितानि पापों को हंती नष्ट कर देती है। सहस्र किरण सूर्य दूर अस्थि दूर रहता है, पर उसकी प्रभा ही पद्माकरेषु तालाबों में जल जानी कमलों को विकास बांजी विकसित कुरुत यानी कर देती है। भावार देखें, ये चरित्र नायक संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही जब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है तब स्तवन की अचिंत्य शक्ति का तो कहना ही क्या। सूर्य गमन के पूर्व ही जब उसी प्रभापुंज मात्र से सरोवर के कमल खिल उठते हैं तब सूर्य जो होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से बेखिरेंगे ही खिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। अर्थात सूर्य दूरवर्ती होने पर भी अपने किरणों के माध्यम से सरोवर के कमलों को विकसित कर देता है। क्या बता रहे हैं कि हे भगवान हे चरित्र नायक संपूर्ण दोष से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, मतलब आपकी स्तुति करना तो बहुत दूर की बात है, आपकी मात्र चरित्र की चर्चा करने से ही जब प्राणियों के पापों का पाप समूल नष्ट हो जाते हैं तब स्तवन की अचिंत स्थिति तो बहुत क्या की बात, क्या कहना है। क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्यागमन के पूर्व उसकी प्रभा पुंज से ही कंपतम के तालाबों में सरोवर के कमल खिल उठते हैं प्रभा पुंज से, तब सूर्योदय होने पर तो उसकी किरणों से स्पर्श भी खिलेंगे। सूर्य इतना दूर होता है तब भी उसकी प्रभा मात्र से ही कमल खिल जाते हैं, तो वो खिलेंगे क्योंकि खिलेंगे। उसी प्रकार से आपके स्तुति मात्र से आपकी चर्चा करने से ही प्राणियों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। आइए चलें जन्मानुष्ठान करें, अगले श्लोक को हम अगले वीडियो में देखेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय जिनेंद्र।